अभी मैं बंद है और ये सब ये हकीकत का दस्तावेज है, हकीकत का ये दस्तावेज ये आपके स्पर्श पहुंच गया है और इसको अध्यक्ष महोदय रिकॉर्ड में लिया जाए। देश की वित्तीय स्थिति पर कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट वारे मान्य उप मुख्यमंत्री वक्तव्य देंगे। मान्य उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसका उस पर श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा में किया था और उसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी और उसमें मेरे अलावा मेरे दो सहयोगी चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी इस समिति के सदस्य थे। 12 मई 2003 को इस समिति की अधिसूचना जारी हुई थी और प्रदेश की फाइनेंसेस की क्या स्थिति है और 5 साल के दौरान राजकोषीय कुप्रबंधन किस प्रकार से हुआ इसका उल्लेख जो है मैं सदन में रखना चाहता हूं और आज नेता प्रतिपक्ष गुस्से में है, मुझे उनके सेहत की भी चिंता है और इसलिए जो है मैं सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि प्रदेश की जो हालात है उसको जरा आप खामोशी से समझें और स्थिति का मूल्यांकन हमने जो किया है, राज्य के बजट को देखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस को देखा है, महालेखाकार क्या कह रहे हैं उसके विवेचन किया है और वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उन सब के अध्ययन के बाद हम ये रिपोर्ट आपके समक्ष रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 और 23 को जो रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने रखी, हिमाचल प्रदेश कर्ज के दबाव में है और सर्वाधिक कर्ज ग्रसित राज्य जो हैं, देश में जो सबसे ज्यादा कर्जे लेने वाले राज्य हैं, उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और बड़े राज्य और छोटे राज्य सबकी श्रेणी जो है उसमें सबसे जो टॉप रैंकिंग प्रदेश हैं कर्जा लेने में हम जो है उसमें 5वें दर्जे पे पहुंच गए हैं और इसके मुख्य कारण जो है क्या क्या रहे हैं वो हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं। एक बात तो ये स्पष्ट है, सामने के लोग गुस्सा भी करेंगे कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आपको कैसे पता गुस्सा करेंगे? हम रख रहे हैं, नहीं करेंगे गुस्सा, शांति से बैठे हैं सारे। और संसाधन जुटाने के लिए अध्यक्ष महोदय कोई कदम नहीं उठाए गए और खर्चा चलाने के लिए पूरी जो निर्भरता थी वो कर्ज पे चली गई और मौजूदा सरकार को पिछली सरकार से 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारियां विरासत में मिली हैं। 92,774 करोड़, यानी कि हम 1,00,000 करोड़ को टच करने जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 कंप्लीट हुआ है उसमें कर्ज की देनदारियां 76,631 पे पहुंच गई हैं, जो इनकी प्रोजेक्शंस थी। और अध्यक्ष महोदय, सबसे अफसोसजनक पहलू यह है कि जो पिछला साल था, जो चुनाव लड़ने का साल था, उस साल में जो वित्तीय प्रबंधन जो जिस तरीके से किया गया
अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सारा संतुलन तब बिगड़ा जब चुनाव आए और 16,261 रुपए की उधारी जुटाई गई। चुनाव जीतने के लिए जो है 16,261 रुपए की आखिरी साल में उधार जो है जुटाया गया। नंदी जी, आपको मौका मिलेगा, आप जरूर बात करना, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। और सबसे अहम मसला अध्यक्ष महोदय ये है कि कर्ज की देनदारियां तो जो हैं ही 76,630 करोड़ रुपए की। चुनाव जीतने के लिए इन्होंने एक और पहलू किया, 10,600 करोड़ रुपए के वेतन और संशोधन महंगाई भत्ते का इन्होंने ऐलान कर दिया और पैसा दिया नहीं, और वो सारा पैसा जो है वो मौजूदा सरकार को देना है। 10,000 करोड़ जो है इसमें वेतन का है और 600 करोड़ रुपए की महंगाई भत्ते की इन्होंने दो किस्तें जो है अनाउंस कर दी, लेकिन ये किस्तें जो है इन्होंने कर्मचारियों को दी नहीं। 1 जनवरी 2022 में 3% महंगाई भत्ता और 1 जुलाई 2022 को 4% महंगाई भत्ता। तो ये 10,600 करोड़ रुपया ये खड़ा कर दिया और 5,544 करोड़ रुपए की अन्य बकाए देनदारियां जो हैं इसमें ये सब अगर ऐड कर दिया जाए तो अध्यक्ष महोदय 92,774 करोड़ रुपए की देनदारियां माननीय नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं। ये अभी बता रहे हैं। आज आप गुस्से में हैं और प्रदेश की जो दुर्दशा की है कमर तोड़ के रख दी हिमाचल प्रदेश के फाइनेंसेस की। इसलिए राणा जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आप सुनिए। माने उप मुख्यमंत्री महोदय, डोंट पे अटेंशन टू देम प्लीज। पूर्व सरकार की इन नीतियों की वजह से प्रदेश जो है कर्ज ग्रस्त राज्य बन गया। और नहीं, पिछले कल ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया जाए, डोंट पे एनी, केंद्र का धन्यवाद किया जाए, वो उसमें आ रहा है। ये अध्यक्ष महोदय, ये तो सारा उसका पार्ट है। और हमें इस बात की खुशी है कि बहुत लर्नर्ड जो है अध्यक्ष हमारे इस दफा आसन पे बैठे हैं और वो जल्दी इस बात को समझेंगे। हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, स्थिति ये है कि अगर पुराने जो कर्जे हैं 2023-2024 बजट अनुमान के अनुसार पुराने कर्ज की अदायगी के लिए 9,000 करोड़ रुपया चाहिए। जो पिछला कर्जा लिया हुआ है उसको चुकता करने के लिए 9,048 करोड़ रुपए और इसमें कर्ज चुकाने के लिए 3486 करोड़ रुपया और ब्याज का भुगतान करने के लिए, ब्याज जो है मूल से बढ़ गया और ब्याज चुकाने के लिए हमें 5,262 करोड़ रुपए जो है देने हैं। तो इसलिए 9,048 करोड़ रुपया तो बजट का एक तरफ सीधा सीधा आप एक तरफ रखते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया आपको सिर्फ कर्जों के चुकाने में और उसके ब्याज में देना है। और अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष के अंत तक जो देनदारियां थी, जब पूर्व सरकार ने सत्ता संभाली थी, मैं अब नाम नहीं लूंगा, गुस्सा करते हैं, 47,906 करोड़ रुपया उस समय 2017-18 की स्थिति थी और 2023-24 में जो है 12% औसत वृद्धि के साथ 12% औसत वृद्धि के साथ 28,784 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ और हम 76,630 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। और हिमाचल प्रदेश में आज बच्चे भी बैठे हुए हैं विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश में हर पैदा होने वाले बच्चे पे 1,02,000
818 रुपए का कर्जा है, हर पैदा होते हुए बच्चे नहीं, जब आप सत्ता में आए थे तो उस समय ये 66,000 था, 66,000 था जब आप सत्ता में आए थे, और आपके वित्तीय प्रबंधन के चलते, कुप्रबंधन के चलते हर हिमाचली पे 1,02,818 रुपए का कर्जा खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये अध्यक्ष महोदय लगभग 25 साल के बाद बना है, और व्हाइट पेपर जो आया है, हमने वायदा किया था हिमाचल प्रदेश की जनता से, तो हम इसको सदन में लेके आए हैं, सारा आ रहा है। सुनिए तो सही। अध्यक्ष महोदय नहीं, ये जो है, जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और वो 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में चले गए हैं, 5,000 करोड़ में 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 13 इसमें घाटे में है, और 5,000 करोड़ रुपए के इसमें घाटे में हम चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें योजना आयोग से अनुदान राशि मिलती है, विशेष योजना सहायता मिलती है, और राजस्व घाटा अनुदान जो है, इन चीजों से चल के जो है प्रदेश जो है उसका वित्तीय प्रबंधन चलता है। लेकिन सबसे बड़ा आपने जो पाप किया, जिसको मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये जो आखिरी साल में जो 16,261 रुपए का इन्होंने जो खर्चे का प्लान बनाया, सरकारी खर्चे पे पार्टी चलाने का एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर है। सरकारी खर्चे पे चुनाव जीतने के लिए जो आपने चक्रव्यूह रचा, ये 16,261 क्या है, लाख है, करोड़ है? करोड़ सर, 16,261 करोड़ नहीं, अभी विक्रम जी आप जिस महकमे में जाते हो, मैं आ जाता हूं, मैं जहां से जाता हूं आप जाते, सुनो आप जरा, इसलिए आप सुनो, कर रहे हैं, अभी आ रहा है ना, सुनते जाओ आप। अध्यक्ष आप देखो, इतना बड़ा वित्तीय प्रबंधन पे कल भी आप नाराज होकर बाहर चले गए, आज फिर आप वही कर रहे हैं, सुनने की क्षमता भी डालो, ऐसा है, सुनने की क्षमता भी डालो। अगर आप दूसरी तरफ चले गए, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के सबसे नंबर वन कुर्सी पे आप बैठ के सुशोभित कर चुके हैं। मंत्री जी जल्दी। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने अमृत महोत्सव मनाए, जो इन्होंने प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम चलाए, जो इन्होंने स्थापना के 75 साल मनाए, जो इन्होंने जनमंच चलाए, और उन पे जो अध्यक्ष महोदय अमृत महोत्सव पे इन्होंने 7 करोड़ रुपया खर्च कर, चुनाव का समय आ गया था, ये सारे कार्यक्रम जो है हम आपको बता रहे हैं, सुनिए आप, गवर्नमेंट ये जो सुनिए नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहते थे मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ही रहूंगा इस कुर्सी पे, मैं ही रहूंगा, उसके पीछे वो कहते हैं ना, वो बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना, वो एक 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 पंजाबी में गाना ना, मैं नहीं बोल दी मेरे पीछे 16,261 रुपए बोल रहा है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार का लगाया जा रहा था, हिमाचल प्रदेश के कोष का जो है करोड़ बोलो साथ में, करोड़ 16,261 करोड़ रुपया जो है, जिसकी आपने प्लानिंग की। अध्यक्ष महोदय अभी तक HRTC का जो इन्होंने बसों से अपने सबको मंगा लेते थे रैलियां करने के लिए, आप उसमें मंत्री थे, 8.5 करोड़ रुपए उसकी देनदारी खड़ी हो गई, सरकारी कार्यक्रम को कभी बसें नहीं लगी, सरकारी
25-30 करोड़ रुपया आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 बसें लगा दो, 300 बसें लगा दो, ये जो आपने किया, और वो भी अभी साढ़े आठ करोड़ रुपया। अभी आप सुनिए, एक कोई सुनो ना, अभी आपको सुनिए, प्लीज, प्लीज ऑर्डर, आपकी बात सुनी जाएगी, ऑर्डर, प्लीज, अध्यक्ष महोदय, प्लीज, अध्यक्ष महोदय, प्लीज ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन, मौका मिलेगा, आपको बोलने, बैठ जाइए सर, इसके बाद आपको बोलना है, आप बोल लेना, आपको आपको जो बात रखनी है, आप रखना है यहाँ पे, आपको जो बात रखनी है, अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय, हम ऑन ओर्थ जो है विधानसभा की गरिमा को सामने रखते हुए ये बात आप इस बात को सुनिए, आप जो है प्रदेश के फाइनेंसिस पे, प्रदेश के, प्लीज टेक योर सीट प्लीज, अध्यक्ष महोदय, इनको बात रखने का मौका मिलेगा, आपको बात रखने का मौका मिलेगा यहाँ पे, प्लीज टेक योर सीट्स, दिस साइड आल्सो, मौका मिलेगा, सभी बैठिए प्लीज, बैठिए सारे बैठिए प्लीज, बैठिए, सिट डाउन प्लीज, टेक योर सीट्स, अब बैठिए तो सही, मैं खड़ा हूँ, बैठ तो जाओ, इतनी तो इज्जत कर लो, प्लीज, लेट मी से समथिंग, प्लीज बैठिए, सिट डाउन, बैठो, यू जस्ट, आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्लीज रीड योर स्टेटमेंट, देयर, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि करतूत बाहर आ रही है तो सुन नहीं सकते, क्योंकि करतूत सामने आ रही है तो सुन नहीं सकते, सुनने की आदत डालो, आपके समय का जो आपने किया है, जो ये काले कारनामे है ये सामने रखने नहीं है, तो विधानसभा को पता होना चाहिए कि क्या हुआ उस समय, आपको बोलने का मौका मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीतने के लिए सरकारी धन का इतने बड़े लेवल पे दुरुपयोग किया गया, चुनाव लड़ने के लिए 16,261 रुपए, अध्यक्ष महोदय, 2021-22 की तुलना में 2022-23 जो है 267% अधिक था, 200, सुन नहीं सकते, अध्यक्ष महोदय सुन नहीं सकते, चुनाव लड़ने के लिए था हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, फिर भी सत्ता में नहीं आ सके, 12,261 रुपए, अध्यक्ष महोदय बीबीएमबी का हिस्सा ये लेके नहीं आ सके, 70 राष्ट्रीय राजमार्ग उनमें कोई प्रगति नहीं हुई, रेल लाइनों को कोई मदद नहीं हुई, शराब की दुकानों को ये नीलाम नहीं किया इन्होंने, और बिजली परियोजनाओं को स्टैगर करने का इनके ऊपर आरोप है, और इनकी वित्तीय अदूरदर्शिता एवं ऐसी नीतियों की वजह से आज हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति बनी है, अध्यक्ष महोदय जो आज हिमाचल की दुर्गत बनी है वो इनकी बदौलत बनी है, अध्यक्ष महोदय, पंद्रह में वित्त आयोग के समक्ष ये ठीक पैर भी नहीं कर सके, 14 वित्त आयोग ने हमें 232% इंक्रीज दी थी, 14 वित्त आयोग ने हमें 232% इंक्रीज दी थी, और इनके समय में इंक्रीज जो है सिर्फ 8% इंक्रीज मिली,
अध्यक्ष महोदय सुन नहीं सकते, अध्यक्ष महोदय सुन नहीं सकते, अपने करतूतों को सुनो, अपने करतूतों को सुनो। आपने आपने अपने टाइम में क्या किया है, आपने अपने टाइम में किया क्या है, अपने अपने करतूतों को सुनो, अपने अपने टाइम में किया क्या है, वो करो, वो सुनो, अपने समय में सुनो, कहते क्या रहे इस दिन से बर्बादी की। अध्यक्ष महोदय जीएसटी की समाप्ति हो गई, अध्यक्ष महोदय उधार लेने में अब कमी जो है 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये सब जो है। अध्यक्ष महोदय हमने जो ओपीएस लागू करने का फैसला किया उसके खिलाफ जो है इनके केंद्र सरकार खड़ी हो गई। ये है प्रदेश को प्रदेश से लूट करने वाले ये लोग, अध्यक्ष महोदय प्रदेश के संसाधनों की लूट करने वाले ये लोग, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज को जो है नुकसान पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय टू कंक्लूड द स्टेटमेंट इमीडिएटली बिकॉज़ आई हैव टू टेक अप अदर बिजनेस आल्सो। अध्यक्ष महोदय ये पूरी कॉपी भी ले होगी और स्टेटमेंट है पूरी, नहीं परेशानी क्या है, आखिर परेशानी क्या है, प्लीज प्लीज दिक्कत क्या है। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, लेट हिम कंप्लीट। अब ये तो इनको बताना पड़ेगा कि चौदह में वित्त योग में 232% की इंक्रीज हुई, आपके समय में 8% की क्यों हुई, आज जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 1400 अध्यक्ष महोदय बिल्कुल रूल्स के तहत भाषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय 1420 करोड़ आपके समय का नहीं आया, 1420 करोड़ रुपया नहीं आया, मंडी हवाई अड्डे का 1000 करोड़ नहीं आया, 400 करोड़ रुपया जो है कांगड़ा हवाई पट्टी का नहीं आया, ज्वालामुखी का 20 करोड़ नहीं आया, कब आएगा, कब पैसा आएगा? ये आपसे डबल इंजन क्रैश कैसे हुआ ये उसकी कहानी है, ये उसकी कहानी है डबल इंजन कैसे क्रैश हुआ। आपने इन्वेस्टर मीट की, कर रहे हैं हम इन्वेस्टर मीट आपने की, 96,000 करोड़ रुपए की आपने कहा इन्वेस्टमेंट आ गई, कौन सी इन्वेस्टमेंट आई, आपने वहां पे 26 करोड़ रुपए का तंबू लगा दिया, 26 करोड़ रुपए का तंबू लगा दिया। अध्यक्ष महोदय 26 करोड़ रुपए का तंबू लगा दिया, 7 करोड़ रुपए के फुलके खा गए, बसों का किराया दिया नहीं, और फिर सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय इनके समय में क्या समाधान किया, 26 करोड़ रुपए के तंबू लगेंगे, 26 करोड़ के तंबू लगेंगे। अध्यक्ष महोदय जीएसटी की नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उधार लेने की जो है अध्यक्ष महोदय ओपीएस इन्होंने लागू नहीं की, कर्मचारियों से धोखा किया, ओपीएस लागू नहीं की, हमने लागू की तो इन्होंने केंद्र से जो है हमारे पे रिस्ट्रिक्शन लगवा दी, केंद्र से हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगवा दी, और जो है फॉरेन फंडिंग पे इन्होंने कैप लगा दी कि 2944 करोड़ ही आपको मिलेंगे। जल उपकर हमने लगाया तो इन्होंने दिल्ली से चिट्ठी लिखवा दी कि आप टैक्स, ये जो है जल उपकर नहीं लगा सकते, इन्होंने एसटीबीएन और जो भाखड़ा ब्यास वाले उनको भटका दिया, चिट्ठी आ गई दिल्ली से कि आप जल उपकर में जो है जाके कोर्ट में लड़ो। ये जो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय ये सब हिमाचल के हितों के खिलाफ हो रहा है, ये सब हिमाचल के हितों के खिलाफ हो रहा है। 1420 करोड़ इनके आए नहीं, बीबीएमबी का जो लंबित पैसा था 3309 करोड़ पे बीबीएमबी का जो 7.19 का हिसाब से हमें मिलना था वो पैसा ये दिल्ली से ला नहीं सके। 70 नेशनल हाईवे का इन्होंने झूठ बोला, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। रेल लाइन जो है बनुपली बिलासपुर
चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 2296 का ये कह रहे हिस्सा स्टेट लगाए, जबकि ये सेंटर को ये पैसा लगाना है। और अध्यक्ष महोदय, हमें 6689 रुपए कम मिलेंगे और राज्यसभा अनुदान में कमी आ रही है, सेंटर से कर्ज लेने की सीमा घटाई जा रही है, फॉरेन फंडिंग की सीमा घटाई जा रही है, जीएसटी का पैसा आएगा नहीं, और जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है कम मिल रही है, जो हिमाचल प्रदेश के हितों से खिलवाड़ हो रहा है, एक का भी जवाब इनके पास नहीं है, इनके पास एक का भी जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि ये जो है हिमाचल प्रदेश की जो हालात इन्होंने बढ़ाई है, जो और जो है अध्यक्ष महोदय, इनका हिडन एजेंडा था, हिमाचल प्रदेश के फाइनेंसिस खराब किए इन्होंने, इनके हिडन एजेंडे के चलते, जो इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो है, और 7 करोड़ रुपए लगे अमृत महोत्सव पे, 20 करोड़ रुपए लगे प्रगतिशील हिमाचल पे, स्थापना दिवस के लिए 28 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, आज जब हम इनसे पूछ रहे हैं, आज इनके पास जवाब नहीं है, और ये यहाँ पे रेगुलेशन आ रहे हैं, बाढ़ के जो रेगुलेशन आ रहे हैं उसका ये विरोध कर रहे हैं, हर तरह से ये नारे लगाने से, अध्यक्ष महोदय नारे लगाने से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता, नारे लगा के हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता, जो प्रदेश के फाइनेंस से इन्होंने खिलवाड़ किया है, जो प्रदेश के साथ इन्होंने किया है अध्यक्ष महोदय, और फिजूल खर्ची का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, फिजूल खर्ची का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपने समय में, और आज जो है जो स्थितियां बनी हुई है अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड प्लीज कंक्लूड, अध्यक्ष महोदय देना आपको, अध्यक्ष महोदय सारा पैसा, हिमाचल प्रदेश का सारा पैसा चुनाव जीतने पे लगा दिया, फिर भी हार गए, और आज जो है यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस ढंग से इन्होंने हिमाचल की तिजोरी का इस्तेमाल किया है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव जो है, जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से खिलवाड़ किया, वो सारे इशू, इनके पास कोई जवाब है? जीएसटी का कंपनसेशन बंद क्यों हुआ? जीएसटी कंपनसेशन बंद क्यों हुआ? उधार लेने की सीमा क्यों घटाई गई? फॉरेन फंडिंग क्यों घटाई गई? और आज क्या स्थिति है? आज जो है कंक्लूड प्लीज अध्यक्ष महोदय, ये स्थितियां जो है, ऐसी स्थिति में जबकि चुनाव लड़ने पे 16,000 करोड़ रुपया लगाया जा रहा हो, वो एक हिडन एजेंडा सामने आ गया, ये एक्सपोज हो गए अध्यक्ष महोदय, ये प्रति जो है मैं यहाँ पटल पे रखता हूँ, और जो इन्होंने किया है हिमाचल प्रदेश के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी हम निंदा करते हैं, नारे लगाने से ये स्थिति जो है बदल नहीं पाएगी, ये हिमाचल प्रदेश के फाइनेंसिस का डॉक्यूमेंट है, ये इनकी स्थिति है, ये इनकी करतूत है जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ किया है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ जो इन्होंने किया है अध्यक्ष महोदय, ये इसका भी मैं बंद है, और ये सब ये हकीकत का दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय, हकीकत का ये दस्तावेज, ये आपके समक्ष पहुंच गया है, और इसको अध्यक्ष महोदय रिकॉर्ड में लिया जाए।